फुलिया नामक स्थान में अपना भजन कर रहे थे तो बेनापोल की तरह एक स्त्री वो आई थी हरिदास ठाकुर के पास रात्रि के समय और उनका संग करना चाहती थी और हरिदास ठाकुर उसकी वंचना कर रहे थे। हरिदास ठाकुर कह रहे थे कि हमारी प्रतिज्ञा है कि प्रतिदिन हम निश्चित संख्यक नाम करेंगे और हमारी प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद तुम्हारी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। और 3 दिन तक हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जब करते रहे, उनकी प्रतिज्ञा समाप्त नहीं हो पा रही थी। और उन्होंने कहा था उस स्त्री को कि वो बैठ कर के नाम श्रवण करने के लिए, तो वो सुन रही थी 3 दिन तक। किंतु 3 दिन तक जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो तीसरे दिन की रात्रि काल में, रात्रि जब समाप्त हो गई, समाप्त होने को है, तो उस समय उस स्त्री ने हरिदास ठाकुर से कहा, तीन दिन बंचिला मा करी आश्वासन, रात्रि दिने नहे तुम्हार नाम समापन। तो उस स्त्री ने हरिदास ठाकुर से कहा कि आपने 3 दिन तक मुझे तो आश्वासन दिया कि मेरी इच्छा आप पूरा करेंगे, मैं पूरी करेंगे, किंतु आपका दिन रात आप जब करते रहते हैं, आपका जब समाप्ति ही नहीं होता और इस तरह आपने मेरी वंचना की है, आपने आश्वासन दिया कि आपकी प्रतिज्ञा समाप्त होने के बाद आप हमारी इच्छा को पूरी करेंगे, किंतु आपका रात दिन जब चलता रहता है पूरी नहीं होती, प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है, इसलिए आपने मुझे आश्वासन तो दे दिया कि हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, किंतु आपका जब समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आपने हमारी वंचना की है, हमें ठगा है। हरिदास ठाकुर कहे ना आमी के करिमु, नियम करिया चिता के मन छड़िमु। तो हरिदास ठाकुर ने उस स्त्री से कहा कि हम क्या करेंगे, हमने कुछ नियम बनाए हैं, प्रतिज्ञा की है और हम प्रतिज्ञा को तो भंग नहीं कर सकते, अर्थात जप की जो प्रतिज्ञा है, प्रतिदिन हम इतनी माला जप करेंगे, तो हम दीक्षा के समय प्रतिज्ञा करते हैं, गुरु भगवान अग्नि वैष्णव के सामने, कि हम जीवन भर 4 नियमों का पालन करेंगे और भगवान का नाम इतनी माला जप करेंगे। तो इस प्रतिज्ञा को हमें जीवन भर पालन करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, किसी भी स्थिति में प्रतिज्ञा को भंग नहीं करनी चाहिए। तो हम हरिदास ठाकुर के क्षेत्र में देखते हैं कि हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हमने प्रतिज्ञा की है कि हम प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करेंगे, तो हमारी प्रतिज्ञा जब तक समाप्त नहीं होती तो हम प्रतिज्ञा का तो त्याग नहीं सकते, तो मैं क्या करूं। तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार,
आमी माया करित आइलम परीक्षा तुम्हार। अब उस स्त्री ने अपना परिचय दिया कि वो कौन थे। पहले जो स्त्री आई थी बिनापल में वो तो वेश्या थी, रामचंद्र खान के द्वारा प्रेरित थी, भेजी गई थी। अब जो स्त्री दूसरी बार हरिदास ठाकुर के पास आई है ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये स्वयं माया देवी। स्वयं माया देवी आई थी हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए। तो इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि माया देवी सभी की परीक्षा ले रही है, केवल हरिदास ठाकुर की नहीं, हम सभी की परीक्षा ले रही है और हर समय ले रही है। जहाँ कहीं माया का आकर्षण आता है तो ये समझना चाहिए कि माया देवी हमारी परीक्षा ले रही है। तो उस स्थिति में हम क्या करें, तो हरिदास ठाकुर से सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार हरिदास ठाकुर ने अपनी प्रतिज्ञा का भंग नहीं किया, माया के आकर्षण होने पर भी, हरिदास ठाकुर को कोई आकर्षण नहीं था तो माया देवी परीक्षा लेने आई थी, किंतु हरिदास ठाकुर ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, इसलिए वो परीक्षा में सफल हो गए। और हमें इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमारे जीवन में अनेक बार इस प्रकार माया का आकर्षण आएगा और हम यदि अपनी भक्ति में दृढ़ हैं, अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ हैं और हमारा लक्ष्य निश्चित है तो माया का आकर्षण भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम माया की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते। किंतु यदि हम प्रतिज्ञा में दृढ़ नहीं हैं, हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं है, तो माया के साधारण आकर्षण से भी हम नीचे गिर सकते हैं, माया के द्वारा प्रलोभित हो सकते हैं। तो माया देवी अब अपना परिचय दे रही है हरिदास ठाकुर से कि पहले तो माया देवी ने नमस्कार किया हरिदास ठाकुर को, क्योंकि भौतिक संसार में सारे जीव माया के आकर्षण से बंधे हैं और माया देवी जिनको दुर्गा का कहा गया है और इस संसार को दुर्ग बताया गया है, इस संसार के सारे जीव माया देवी के दुर्ग में बंदी हैं, अर्थात माया देवी के आकर्षण से वो माया देवी के दुर्ग में बंदी होकर रह रहे हैं, क्योंकि माया के प्रति आकर्षण है। और माया के आकर्षण से बचना इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। और भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, दैवी है स गुणमयी मम माया दुरत्ते, मांग एव जो प्रपद्यन्ते मायं मृतं तरन्ति। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया शक्ति जो है ये बहुत प्रबल है, इसको अतिक्रम करना कठिन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने माया देवी को नियुक्त किया इस कार्य के लिए। जो भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं है तो वो माया के प्रति अवश्य आकृष्ट होंगे। ये जो दो बात है, या तो हम माया के प्रति आकृष्ट होंगे या हम भगवान के प्रति आकृष्ट होंगे। यदि भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं है तो माया के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है,
तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारी माया शक्ति जो है ये बहुत प्रबल है, इसको अतिक्रम करना बहुत कठिन है, किंतु वही अतिक्रमण कर सकता है मांग एव यो प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। तो वही व्यक्ति माया के आकर्षण से मुक्त हो सकता है जो भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। तो हरिदास ठाकुर ने किस प्रकार माया का अतिक्रमण किया, माया पर विजय प्राप्त की, वो आकर्षित नहीं हुए क्योंकि भगवान के नाम में वो आविष्ट थे, नाम प्रेम में आविष्ट थे, इसलिए माया का आकर्षण उनको विचलित नहीं कर सका। किंतु जब भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं है तो माया आसानी से उसको विचलित कर सकता है। इसलिए हर स्थिति में हमें भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और प्रतिदिन प्रति मुहूर्त में हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपके चरणों में हमें स्थान दीजिए, हमें कभी आपके चरण कमल से धकेल कर माया के गर्त में मत फेंकिए, ये भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हर वक्त। आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए, आपके चरण कमलों में हमें स्थान दीजिए, हमें ये माया का आकर्षण नहीं चाहिए। तो जब भगवान देखेंगे कि हम क्या चाहते हैं तो भगवान सहायता करेंगे हम। तब माया के आकर्षण से, माया के बंधन से हम छूट सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने माया पर विजय प्राप्त की क्योंकि वो भगवान के प्रति आकृष्ट थे, उनके नाम के प्रति आकृष्ट थे। इसलिए माया का आकर्षण जो ब्रह्मा को भी विचलित कर सकता है, जो आकर्षण हरिदास ठाकुर को विचलित नहीं कर सका। तो इसलिए माया देवी कह रही है, पहले हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया कि माया देवी अब पराजित हो गई हरिदास ठाकुर के सामने, वो सारे जीवों को अपनी माया शक्ति के द्वारा आकृष्ट करती है माया देवी, किंतु हरिदास ठाकुर को आकृष्ट करने में वो सफल नहीं हुई। इसलिए माया देवी हरिदास ठाकुर को नमस्कार कर रहे हैं कि आप वास्तविक भक्त हैं। तो माया देवी ये देखती है कि कौन वस्तुतः भगवान का भक्त है, कौन नहीं है। जो माया देवी के द्वारा आकर्षित हो जाता है तो माया के बंधन में पड़ जाता है, किंतु जो माया के द्वारा आकर्षित नहीं होता है माया देवी उसको मुक्त कर देती है, जाओ अब भगवान की सेवा करो, अब तुम सफल हो गए, मेरे आकर्षण से आकर्षित नहीं हुए इसका अर्थ तुम्हें कृष्ण के प्रति आकर्षण है, इसलिए तुम सफल। तो माया देवी उनको मुक्त कर देती है, और जब माया देवी मुक्त करती है तो भक्त किसके आश्रय में रहता है, योग माया, ये महामाया जो माया देवी है, और योग माया के अधीन वो भक्त चला जाता है। जब माया माया के बंधन से छूट जाता है तो योग माया के अधीन चला जाता है। योग माया सहायता करती है भक्ति मार्ग में, भगवान की भक्ति में योग माया सहायता करती है,
किंतु महामाया बाधा डालती है और वो बाधा परीक्षा स्वरूप है। वो बाधा के रूप में मायादेवी परीक्षा लेती है कि हम कितने दृढ़ हैं भगवान के प्रति भक्ति में। तो मायादेवी कहती है, आमी माया करिते आयलम परीक्षा तुम्हार। तो मायादेवी ने अपना परिचय दिया कि मैं मायादेवी तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, आई थी। ब्रह्मादि जीवामी सबरे मोहिलू, एकेला तुम्हारे आमी मोहिते नरिलू। तो मायादेवी ने कहा कि ब्रह्मादि जीवामी सबरे मोहिलू, तो मैं सारे जीवों को मोहित करती हूँ। मायादेवी कहती यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी मोहित कर देती। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो गए थे, अपनी कन्या के प्रति आकर्षित हो गए थे। एकेला तुम्हारे आमी मोहित नारिल, तो मैं तो सभी को मोहित कर देती हूँ, किंतु तुम्हें छोड़कर मैं सभी को मोहित कर देती हूँ, किंतु अब मैं तुम्हें मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। इससे हरिदास ठाकुर की महिमा प्रकट होती है कि जो मायादेवी ब्रह्मा तक सारे जीव, क्षुद्र चिंटी से लेकर ब्रह्मा तक सारे जीवों को मोहित कर देती है, वो हरिदास ठाकुर को मोहित नहीं कर पाए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के नाम के प्रति आकृष्ट थे। इसलिए माया का आकर्षण उनको मोहित नहीं कर सका। महाभागवत तुम्हें तुम्हारे दर्शने, तुम्हारे कृष्ण नाम कीर्तन श्रवण, चित्त शुद्ध हिला चाहे कृष्ण नाम लैते, कृष्ण नाम उपदेशे कृपा कर मत। तब मायादेवी अपने को समर्पण कर रही है हरिदास ठाकुर के चरणों में, तो यही भक्त की महिमा है। जो महान भक्त हैं, मायादेवी भी उसके चरणों में अपने को समर्पित करती है। तो हरिदास ठाकुर को जब मायादेवी मोहित करने में समर्थ नहीं हुई, तब वो कहती है कि आप महाभागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, और आपका दर्शन करके मैं पवित्र हो गई। तुम्हारा कृष्ण नाम कीर्तन श्रवण है, और आपके मुख से शुद्ध कृष्ण नाम कीर्तन श्रवण में कर रही थी 3 दिन तक, आपका दर्शन कर रही थी और आपके मुख से शुद्ध कृष्ण नाम का श्रवण कर रही थी, जिससे कि मेरा चित्त हृदय शुद्ध हो गया। मायादेवी स्वयं कहती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं कृष्ण नाम ग्रहण करूँ। इसका अर्थ है कि मायादेवी हरिदास ठाकुर का
हरिदास ठाकुर की शिष्या बनना चाहती है, उनसे हरिनाम ग्रहण करना चाहती है, हरिनाम दीक्षा। कृष्ण नाम उपदेशी कृपा करम होते, इसलिए मायादेवी हरिदास ठाकुर से अनुरोध कर रही है कि आप मुझे कृष्ण नाम का उपदेश देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। चैतन्य अवतार वहे प्रेमामृत वन्य सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी हैल धन्य। तो मायादेवी कह रही है कि आप जो श्री चैतन्य अवतार हुआ है, स्वयं भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, उनके अवतरण का जो उद्देश्य है कि नाम के माध्यम से सारे संसार में सारे संसार को प्रेम की बाढ़ में प्लावित कर देंगे, तो चैतन्य महाप्रभु का यही उद्देश्य था कि सारे संसार में नाम प्रेम की बाढ़ आ गई थी। बन्या क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा थी कि वे भगवान के नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवत प्रेम प्रदान कर रहे थे, कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे। जिस कृष्ण प्रेम को दूसरे किसी अवतार ने कभी प्रदान नहीं किया था, ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार की विशेष कृपा। तो इसलिए मायादेवी भी लालायित थी इस नाम प्रेम को प्राप्त होने के लिए। अतः मायादेवी अब हरिदास ठाकुर की शिष्या बनना चाह रही है और उस नाम प्रेम को प्राप्त होना चाहती है, इसलिए कहती है कि अब प्रेमा प्रेम रूपी अमृत की बन्या बाढ़ ये चैतन्य अवतार में आ गई है, इसलिए उस बाढ़ में सारे जीव बह रहे हैं, जिसके कारण ये पृथ्वी धन्य हो गई है। अर्थात इस चैतन्य अवतार में सारी पृथ्वी के जीव इस कृष्ण प्रेम की बाढ़ में ये लोग सब तैर रहे हैं, बह रहे हैं, इसलिए पृथ्वी धन्य है। और इस सारा संसार चैतन्य महाप्रभु के प्रति कृतज्ञ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में इस प्रकार कृपा की पृथ्वीवासियों पर कि केवल नाम संकीर्तन के माध्यम से वो प्रेम प्रदान कर रहे हैं। ए बन्ना योजना भाषे सही जीव कोटि कल्पे कबूतर नहीं क निस्तार। तो ये मायादेवी स्वयं कह रही है कि ये जो कृष्ण प्रेम की बाढ़ इस चैतन्य अवतार में आई है, तो इस बाढ़ में जो जीव तैरता नहीं है, प्रवाहित नहीं होता है इस प्रेम की बाढ़ में, जो जीव नहीं बहता है उसको धिक्कार है कि इतना बड़ा अवसर प्राप्त होकर जो जीव इस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा है उसको सत धिक्कार है। मायादेवी स्वयं कहते हैं और ऐसे व्यक्ति का करोड़ों कल्पों तक उद्धार नहीं किया जा सकता, ये मायादेवी का कथन है कि इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जो उन्होंने प्रेम की बाढ़ उन्होंने वे लाए हैं, तो ये
सारे जीवों के उद्धार करने के लिए उद्दिष्ट है, और जो जीव इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है उसको सब धिक्कार है और कोटि कल्पों तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। यदि इस जन्म में और इस समय जब चैतन्य महाप्रभु के नाम प्रेम की बाढ़ चारों ओर परिव्याप्त हो गई है, तो इस समय यदि कोई उद्धार नहीं हो सका तो कोटि कल्पों तक उसका उद्धार संभव नहीं, क्योंकि ऐसा सरल उपाय और किसी कल्प में प्राप्त नहीं होगा। पूर्वे आमी राम नाम पायांची शिव हिते तुमार संगे लवाइल कृष्ण नाम लैते। तो माधवी कह रही कि ये नहीं है कि पहले मैं भगवान का नाम मैंने ग्रहण नहीं किया है, मैंने शिव जी से राम नाम को ग्रहण तो किया है, किंतु आपके संघ के प्रभाव से, क्योंकि मायादेवी 3 दिन तक संग कर रही थी हरिदास ठाकुर का, और उस संग कैसा था कि हरिदास ठाकुर के मुख से वो शुद्ध हरिनाम का श्रवण कर रही थी और हरिदास ठाकुर का दर्शन कर रही थी। तो मायादेवी कहती है कि आपका संग प्राप्त होकर, पहले तो मायादेवी आई थी परीक्षा लेने के लिए हरिदास ठाकुर की, और कहती कि 3 दिन तक आपका संग प्राप्त होकर मेरे मन में भी लोभ उत्पन्न हो गया, और वो लोभ क्या था ना, कृष्ण नाम ग्रहण करने का लोभ। राम नाम तो मैं ग्रहण कर चुकी हूं, किंतु कृष्ण नाम ग्रहण करने का लोभ मेरे मन में उत्पन्न हुआ। मुक्ति हेतु का तारक है राम नाम, कृष्ण नाम पारक हया करे प्रेम दान। तो मायादेवी कह रही है कि भगवान राम का पवित्र नाम निश्चय ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए राम नाम को तारक कहा गया है, वो तार उद्धार कर सकता, राम नाम उद्धार कर सकता, किंतु कृष्ण नाम पारक हया करे प्रेमदान, किंतु कृष्ण का पवित्र नाम इस भवसागर को पार कराने वाला है और अंत में कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के जप की व्याख्या हुई है। हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण तथा राम दोनों के पवित्र नाम आते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, कृष्ण राम। भगवान राम मुक्ति का अवसर प्रदान करते हैं, किंतु केवल मुक्ति लाभ से वास्तविक आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता। कभी कभी कोई व्यक्ति भौतिक जगत से मुक्त तो हो जाता है, किंतु यदि उसे कृष्ण के चरण कमलों में शरण नहीं मिलती तो वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। मुक्ति तो उस स्वास्थ्य लाभ की सी अवस्था है जिसमें रोगी जोर से मुक्त तो रहता है किंतु स्वस्थ नहीं रहता। यदि वो
इस अवस्था में अत्यंत सतर्क नहीं रहता तो पुनः बीमार पड़ सकता है। इसी तरह मुक्ति से कृष्ण के चरण कमलों में शरण मिलने जैसा अभेदान नहीं रहता। शास्त्र में कहा गया है कि यनेर बिंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयस्त भाव अविशुद्ध बुद्धयो आरुह्य कृच्छेन परम पदं तथा ततंति अदो अनादृत स्मृत अंग्रह। हे प्रभु, जो लोग अपने आप को मुक्त मानते हैं किंतु जिनमें भक्ति नहीं है उनकी बुद्धि अशुद्ध है। यद्यपि वे कठिन तपस्या के बल पर मुक्ति की चरमावस्था को प्राप्त होते हैं किंतु इस भौतिक संसार में फिर से उनका पतन निश्चित है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। स्मृत अंग्रह कृष्ण के चरण कमलों का सूचक है। यदि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तो वह मुक्ति प्राप्त करके भी नीचे गिर जाता है, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र मुक्ति के साथ कृष्ण के चरण कमलों में शरण भी देता है। यदि कोई व्यक्ति मुक्ति के बाद कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो उसका सुप्त कृष्ण प्रेम विकसित होता है। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। कृष्ण नाम देह तुम्हें मोरे कर धन्य, अमार भाषा जैसे प्रेम बन्य। तो माया देवी ने हरिदास ठाकुर से कहा कि आप कृपा करके मुझे कृष्ण नाम में दीक्षित कीजिए और मुझे भाग्यशालिनी बनाइए, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भगवत प्रेम रूपी बाढ़ में मैं बह सकूं। तो चैतन्य महाप्रभु के नाम प्रेम रूपी जो बाढ़ है इसमें बहने के लिए स्वयं माया देवी भी आई है इस नाम प्रेम को ग्रहण करने के लिए। तो इसलिए वो चाहती है, हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करती है कि इस नाम प्रेम को प्राप्त होने के लिए। एतबली बंदिला हरिदासर चरण, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन। इस तरह कहकर माया देवी ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और यह कहकर हरिदास ठाकुर ने उसे दीक्षा दी। उपदेश पाया माया चलीला हया प्रीत, ये सब कथा देकार ना जन्मे प्रतीत। तो इस तरह हरिदास ठाकुर से उपदेश प्राप्त होकर अत्यंत प्रसन्न चित्त में माया देवी चली गई। किंतु दुर्भाग्यवश कुछ लोगों को इन कथाओं में श्रद्धा या विश्वास नहीं होती है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रतीत करिते कही कारण यार, जहार श्रवण हय विश्वास सवार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अब इस बात पर विश्वास जन्माने के लिए मैं इसका कारण कह रहा हूं, जिसका श्रवण करने से व्यक्ति का इस बात पर विश्वास हो जाएगा। चैतन्य अवतार कृष्ण प्रेमे लुब्धाया, ब्रह्मा शिव सनकादि पृथ्वी ते जन्मियम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं,
तो इस अवतार में कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लोभ से ब्रह्मा शिव चारों कुमार इन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया। कृष्ण नामलया नाचे प्रेम बन्नाय भाषे नारद प्रहलादिया से मनुष्य प्रकाश। महर्षि नारद तथा प्रहलाद जैसे सारे भक्त मनुष्य के रूप में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते नाचते तथा भगवत प्रेम की बाढ़ में बहते हुए वहाँ आए। तो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जो कृष्ण प्रेम की बाढ़ बह रही है, इस बाढ़ में बहने के लिए स्वयं शिवजी भी आए, ब्रह्मा जी, चारों कुमार, नारद, प्रहलाद। तो ये कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये सभी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। तो हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार थे, प्रहलाद हरिदास ठाकुर, ये ब्रह्मा के भी अवतार और प्रहलाद के भी अवतार, दोनों के। और शिवजी अद्वैताचार्य जो महाविष्णु के अवतार, सदाशिव के अवतार। लक्ष्मी आदि करी कृष्ण प्रेमे लुब्धाया नाम प्रेम सदिला मनुष्य जन्मिया। कृष्ण प्रेम से मुक्त होकर देवी लक्ष्मी इत्यादि मनुष्य रूप में वहाँ आई और उन्होंने नाम प्रेम का आस्वादन किया। अन्नीर का कथा पने ब्रजेंद्र नंदन अवतरी करेन प्रेम रस आस्वादन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दूसरों की बात क्या कहें कि लक्ष्मी देवी आई, कि ब्रह्मा शिव आए, सब मनुष्य रूप में कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, तो इन लोगों की बात क्या कहें। स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण तो स्वयं आकर अपने प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं चैतन्य अवतार में। माया दासी प्रेम मागे इथे की विस्मय साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। तो जब शिव, ब्रह्मा, नारद, लक्ष्मी देवी और स्वयं ब्रजनंदन कृष्ण इस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, तो माया देवी हरिदास ठाकुर से कृष्ण प्रेम मांग रही है, इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है। ये तो स्वाभाविक है कि माया देवी भी कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए ललायित हो रही है, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम जो है साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। तो ये कृष्ण प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब कोई किसी महान साधु की कृपा को प्राप्त करता है, महान भक्त की कृपा को प्राप्त करता है और उनसे नाम को प्राप्त करता है। तो भगवत नाम कीर्तन और साधु कृपा, ये भगवत प्रेम प्राप्त करने का कारण है। चैतन्य गोसाई र लीला रही तो स्वभाव त्रिभुवन नाच गाय पाया प्रेम भाव।
श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में तीनों लोक भगवत प्रेम के संपर्क में आकर नाचते तथा कीर्तन करते हैं, यह उनकी लीलाओं का स्वभाव है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला का ये स्वभाव है कि सारे त्रिलोक के लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त होकर नाचते और गाते हैं। तो ये चैतन्य लीला में देवता लोग भी आ जाते थे मनुष्य रूप में, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन जो है तो उसमें देवता लोग भी आकर अंशग्रहण करते थे। कृष्णादि आरजत स्थावर जंगमे कृष्ण प्रेमे मत्त करे कृष्ण संकीर्तने। कृष्ण का पवित्र नाम इतना आकर्षक है कि सारे चर तथा अचर जीव एवं स्वयं भगवान कृष्ण तक जो जो इसका कीर्तन करता है वो कृष्ण प्रेम से पूरित हो उठता है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यह प्रभाव है। तो यह हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि कृष्ण प्रेम में जो कोई भी इसका कीर्तन करता है उसको कृष्ण प्रेम में उन्मत्त कर देता है। स्थावर जंगम, यहाँ तक कि कृष्ण आदि स्वयं भगवान कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अपना नाम संकीर्तन करते हुए। स्वरूप गोसाई कड़ चाये जे लीला लिखिल रघुनाथ दास मुखे से सब सुनिल। मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से ये सब कुछ सुना है। जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में अपने टिप्पणियों में अंकित किया है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास रहते थे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिया था, रघुनाथ दास गोस्वामी को अर्पित किया था उनके हाथ, इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो डायरी मेंटेन करते थे रखते थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये सब सुना है उनसे। सही सब लीला कही संक्षेप करिया चैतन्य कृपा ते लिखी क्षुद्र जीव हया। मैंने उन लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया है, मैंने जो कुछ लिखा है वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लिखा है, क्योंकि मैं एक तुच्छ जीव हूं। हरिदास ठकुरेर कहीं लो महिमा रण जहां श्रवण भक्तेर जुड़ाय श्रवण। मैंने हरिदास ठाकुर की महिमा के कर्ण मात्र का वर्णन किया है, उनकी महिमा अपार है, मैंने थोड़ा सा वर्णन किया है। कृष्णदास के विरज गोस्वामी कहते हैं इसे सुनकर हर भक्त के कान तुष्ट हो जाते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत अंतलीला के अंतर्गत श्री हरिदास ठाकुर की महिमा शीर्षक तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब चतुर्थ अध्याय
जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट। वृंदावनात् पुनः प्राप्तं श्री गौर श्री सनातनम् देह पातादवन स्नेहात् शुद्धं चक्र परीक्षया। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन से लौटे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आत्महत्या करने के संकल्प से स्नेहपूर्वक बचाया। तत्पश्चात उनकी परीक्षा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को शुद्ध बना दिया। तो माया देवी भी परीक्षा लेती है और भगवान कृष्ण भी परीक्षा लेते हैं भक्तों की। तो भक्तों का जो जीवन है ये सब परीक्षा का जीवन, हर समय परीक्षा देना पड़ता है। स्कूल कॉलेज में तो साल में कई बार देना पड़ता है, किंतु भक्तों का जीवन भर परीक्षा देना पड़ता है। और हर बार ये प्रमाणित करना है कि हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, माया के प्रति नहीं। तो सनातन गोस्वामी की भी परीक्षा ले रहे थे चैतन्य महाप्रभु, जबकि सनातन गोस्वामी पर स्वयं कृपा भी किए हैं, फिर भी परीक्षा ले रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। नीलाचल हईते रूप गौड़े जब गला मथुरा हईते सनातन नीलाचल आयला। जब श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी से बंगाल लौट गए, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने सुना किस प्रकार रूप गोस्वामी आए थे जगन्नाथपुरी, तो रूप गोस्वामी बंगाल होकर लौट गए तो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मथुरा से जगन्नाथपुरी आए। झाड़ी खंड बन पथे आयला अकेला चलिया कभू उपवास कभू चरवण करिया। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे पैदल, क्योंकि उस समय गाड़ी नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, तो पैदल चल करके आते थे। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु जैसे झारखंड पथ होकर गए थे वृंदावन, तो उसी मार्ग में आने के लिए निश्चय किया सनातन गोस्वामी ने, क्योंकि अन्यथा कोई झारखंड जंगल होकर आना जाना नहीं होता था। जो जाते थे भक्त लोग नीलाचल से जब वृंदावन, ये सब नवद्वीप होकर उधर फिर जाते थे घूम करके, रूप गोस्वामी और जो भी लोग जाते थे। और पहली बार चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रयास किया, वो भी नवद्वीप होकर गए थे कन्हैया नरसला तक, और वहाँ से फिर लौट गए। तब सनातन गोस्वामी झारखंड मार्ग होकर आ रहे हैं नीलाचल, तो अकेले आ रहे थे। तो रास्ते में कभी भिक्षा उनको प्राप्त होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी उपवास रहते थे, कोई कभी चना चबा करके रह जाते थे। इस प्रकार वो पैदल चल करके आ रहे थे जगन्नाथपुरी, जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया था जब उन्होंने गृह त्याग किया। झाड़ी खंडेर जलेर दोषे उपवास हईते गात्रे कंडु हईल रसा पड़े खाजुआईते। तो जब झारखंड जंगल होकर आ रहे थे सनातन गोस्वामी, तो रास्ते में मार्ग पर उनको कम से कम तो जल पीना पड़ता था, कभी खाना नहीं मिला, उपवास हैं फिर जल पीते थे,
और इधर उधर का जल, क्योंकि जल शुद्ध नहीं था, और फिर उपवास भी करते थे, कब खाना नहीं मिलता था, भिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि जंगल में कौन देगा भिक्षा तो उपवास भी रहना पड़ता था। तो इसके प्रभाव से इधर उपवास और उधर जल जो है अशुद्ध जल पीते थे, इसके कारण उनके शरीर में कंडू रोग हो गया, खुजली। और खुजली होने से क्या होता है, हम खुजलाते हैं जहाँ खुजली होती है, और खुजलाने से क्या होता है, जब अधिक खुजलाने लगेंगे वहाँ से रक्त निकलेगा, घाव हो जाएगा, और घाव जब नहीं सूखेगा वो बढ़ेगा तो उससे पीवेगा, रस निकलेगा, जिसको ओडिया में पूज बोलते हैं तो पीओ रस निकलता था। उनके सारे शरीर में कंडू रोग हो गया था, खुजली होने के कारण तो घाव हो गया था और उससे रस निकलता था, और उस रस से दुर्गंध आती है। निर्वेद हैलपथे करे न विचार, नीच जाति देह मोर अत्यंत सार। तो जब सनातन गोस्वामी ने देखा कि उनके सारे शरीर में कंडू रोग हो गया है, घाव हो गया है, उससे रस निकल रहा है, दुर्गंध आ रही है, तो अपने प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गई सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा, वो निराश हो गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं नीच जाति का हूँ, यद्यपि ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था किंतु यवनों का संग करते थे, इसलिए अपने को नीच जाति मानते थे, और मेरा जो शरीर है ये बेकार का शरीर है, असार सार है, क्योंकि ये शरीर भगवान की सेवा करने के लिए समर्थ नहीं है। तो जब हम शरीर स्वस्थ हो तो स्वस्थ शरीर में तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, किंतु शरीर अस्वस्थ हो तो भगवान की सेवा नहीं हो पाती है। कोई स्वस्थ शरीर में भगवान की सेवा करना नहीं चाहता है वो अलग बात है, किंतु साधारण रूप से हम शरीर स्वस्थ रहने पर भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और जब शरीर अस्वस्थ हो सेवा नहीं हो पाती है तो शरीर के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, ये बेकार का शरीर है, इससे केवल शरीर से कष्ट ही प्राप्त होता है, भगवान की सेवा नहीं हो पाती है। तो शरीर में कंडू रोग होने से हर समय खुजलाना पड़ता है, खुजली होती है जब, और इसमें घाव होता है, फिर शरीर से दुर्गंध आती है, तो उस समय जिस शरीर हमको अति प्रिय है, जब शरीर स्वस्थ है शरीर हमारा बहुत प्रिय लगता है, हम शरीर को सजाते हैं, उसका यत्न लेते हैं, किंतु शरीर में जिस अब कष्ट देने लगता है, शरीर शरीर से दुर्गंध आती है, घाव हो जाता है सारे शरीर, तो हम सोचते हैं कि शरीर व्यर्थ का है, ये केवल कष्ट देने के लिए है, ये भगवान की सेवा के लिए उद्दिष्ट नहीं है, तो शरीर के प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा, जगन्नाथ गेले तार दर्शन ना पाइमु, प्रभुर दर्शन सदा करिते नारिमु। और सनातन गोस्वामी ने सोचा कि जब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो जगन्नाथ जी का तो दर्शन नहीं हो पाएगा, क्यों,
सनातन गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे, न तो रूप गोस्वामी जाते थे न सनातन गोस्वामी। वो अपने को इतना नीच मानते थे, नीच अपवित्र पतित मानते थे, तो वे सोचते थे कि हम जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो जगन्नाथ जी के सेवक का स्पर्श हो जाएगा, तो ये लोग हमारे स्पर्श से अपवित्र हो जाएंगे जगन्नाथ के सेवकगण। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के भीतर जाना क्या, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के बाहर तक भी नहीं आते थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, क्योंकि सोचते थे कि सिंह दरवाजे पर जगन्नाथ जी के सेवक आना जाना करते हैं और हम वहाँ होंगे तो कहीं किस समय उनका स्पर्श हो जाएगा तो ये अपवित्र हो जाएंगे, जगन्नाथ जी की सेवा बंद हो जाएगी, क्योंकि हम अत्यंत अधम पतित हैं। इसलिए सिंह दरवाजे पर भी नहीं आते थे, मंदिर के भीतर तो दूर की बात। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि हम जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथ जी का तो दर्शन होगा नहीं, और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो सकता है किंतु हर समय चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं होगा। मंदिर निकट सुनी तार बास स्थित, मंदिर निकट जाते मोर नहीं शक्ति। तो सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि हमने सुना है कि चैतन्य महाप्रभु मंदिर के निकट कहीं रह रहे हैं, ये पहली बार आ रहे हैं जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते थे उनको पता नहीं था, तो उन्होंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु मंदिर के निकट ही रह रहे, किंतु मंदिर के समीप तक जाने के लिए मुझमें शक्ति नहीं होगी, मैं नहीं जा पाऊंगा मंदिर के निकट तक। जगन्नाथ सेवक फेरे कार्य अनुरोधे, तार स्पर्श हैले मोर हबे अपराधे। तो सनातन का स्वामी सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं ये मंदिर के आसपास अपने कार्य के लिए आना जाना करते हैं, और यदि ये लोग मेरा स्पर्श कर लेंगे तो मैं अपराधी बन जाऊंगा, मैं अत्यंत इतना नीच पतित हूँ और मेरे स्पर्श से जगन्नाथ जी के सेवक अपवित्र होंगे, इसलिए मैं अपराधी बन जाऊंगा। ताते यदि यही देह भलो स्थाने दिए, दुख शांति है आर सद्गति पाइए। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि यदि मैं अपना इस शरीर को किसी अच्छे स्थान पर अर्थात तीर्थ स्थान भगवान के धाम में त्याग कर दूं तो क्या होगा कि मुझे सद्गति प्राप्त होगी भगवान के धाम में शरीर त्याग करने पर, और शरीर जो कष्ट दे रहा है एक खुजली के माध्यम से, घाव के माध्यम से, एक कष्ट भी समाप्त हो जाएगा, इधर कष्ट समाप्त हो जाएगा और शरीर त्याग करने पर धाम में सद्गति भी प्राप्त होगी। ये मन में निश्चय किया सनातन गोस्वामी ने कि हम जब जगन्नाथपुरी जाएंगे वहीं शरीर त्याग करेंगे। तो ये इस प्रकार सनातन गोस्वामी ये रास्ते में इस प्रकार सोच करके आ रहे हैं शरीर त्याग करने के लिए, और कैसे शरीर त्याग करेंगे इसके पश्चात सोच रहे हैं कैसे शरीर त्याग करेंगे जगन्नाथपुरी में, तो इसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। वासुदेव दत्त वो भी प्रहलाद के अवतार होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था चैतन्य महाप्रभु से कि सारे जीवों का पाप मुझे दे दीजिए और उनको सब उद्धार कीजिए। तो ये प्रहलाद महाराज का भाव है,
जब नृसिंहदेव ने कहा था उनको मुक्ति प्रदान के लिए अपने पास ले जाने के लिए, तो चाहे प्रहलाद महाराज ने कहा था कि ये सारे जो अधम जीव हैं संसार में इनको त्याग करके मैं अकेला कैसे जाऊं आपके पास, मैं सभी को साथ लेकर चलूं। तो प्रहलाद महाराज का जो भाव ये वासुदेव दत्त में भी था, तो इसलिए देखा जाता है कि कभी कभी एक व्यक्ति कई भक्तों के माध्यम से रस आस्वादन करता है। तो प्रहलाद महाराज वासुदेव दत्त के रूप में जीवों का उद्धार के लिए सोचते हैं, हरिदास ठाकुर के रूप में कष्ट सहन करते हैं जैसे कष्ट सहन किया था प्रहलाद महाराज ने, हिरण्यकश्यप ने अत्याचार किया था, तो हरिदास ठाकुर ने भी ऐसे 22 बाजार में कोड़े का आघात उन्होंने सहन किया था, इसलिए उनको प्रहलाद महाराज का भी अवतार माना गया है, यद्यपि मुख्य रूप से वो ब्रह्मा जी का अवतार माना गया। वो आके हमें बोलते हैं कि आपके जो शिष्य हैं वो इतना ब्राइट फेस्ड हैं, तो कैसे हो सकता है? तो हम बोलते हैं कि क्योंकि भगवान का नाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत तेज फेस्ड हैं, तेजियां। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी वो एक महान परमहंस वैष्णव हैं और महाप्रभु की कृपा पात्र, लेकिन फिर भी जो भक्त हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं उनका शरीर ही दिव्य हो जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कई बार आलिंगन किया है सनातन गोस्वामी को, और जो चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श जिसको प्राप्त है उसका शरीर दिव्य है। तो चैतन्य महाप्रभु इस घटना के माध्यम से एक शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हर सनातन गोस्वामी के शरीर में खुजली हुई, घाव हो गए, शरीर से दुर्गंध आने लगी, तो इसके माध्यम से चैतन्य और सनातन गोस्वामी सोच रहे हैं कि हम शरीर त्याग देंगे, इसके माध्यम से कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि इसके माध्यम से चैतन्य को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, मैं पहले बताना नहीं चाहता। जब वो चर्चा होगी उसके संबंध में, क्योंकि ये घटना पूरी तरह इस पर चर्चा नहीं हुई है, तो हम उस समय बताएंगे क्या शिक्षा देना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जब महान भक्त बीमार पड़ जाते हैं हम कहते हैं कि वो लीला कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से भगवान कुछ शिक्षा देना चाहता है संसार को, और अपने भक्तों को वो माध्यम बनाते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को माध्यम बनाते हैं, तो उसकी चर्चा हम करेंगे कल, वो प्रसंग आएगा शायद।
जैसे हनुमान जी हैं, ये राम के नित्य भक्त है, कोई साधक भक्त नहीं है हनुमान जी, वो भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हैं। तो राम दरबार में हम देखते हैं कौन है, राम दरबार में हर समय हनुमान जी है ना। तो उनके लिए मुक्ति कोई विशेष आकर्षण उत्पन्न नहीं करता हनुमान जी के लिए, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको तो राम की भक्ति चाहिए, इसलिए वो भक्ति करते रहते हैं हनुमान जी, क्योंकि वो राम भगवान के नित्य पार्षद हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं। तो जब ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के जो अन्य अवतार हैं तो अन्य अवतार मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, किंतु कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते। और ये भी शास्त्रों में बताया गया है, जैसे यहाँ पर भी आया था कि राम नाम को तारक बताया गया है और कृष्ण नाम को पारक बताया गया है। राम नाम तारक माने उद्धार कर सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, राम नारायण जितने भी भगवान के नाम हैं, और कृष्ण नाम को पारक बताया गया है इसलिए कि हम देखते हैं कि जितने असुरों का वध होता है नारायण के द्वारा, राम के द्वारा भी, राम ने रावण का वध किया नहीं, तो क्या रावण मुक्त हो गया? मुक्त हुआ रावण हैं? हुआ ना, फिर उसका जन्म हुआ ना हैं? तो जब भगवान के द्वारा मारा गया था, जैसे जिस समय हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपु के रूप में रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ था पहले, वो भी भगवान के द्वारा मारे गए थे दोनों, नृसिंहदेव के द्वारा और बराहदेव के द्वारा, वो क्या मुक्त हुए? मुक्त तो हो जाना चाहिए था, फिर दूसरा जन्म हुआ उनको। तो ये कहने का अर्थ है कि मुक्ति कोई माने जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जो मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं, जैसे मायावादी लोग बहुत कठोर तपस्या करके मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं, किंतु उस पद पर वो रह नहीं पाते, उनका पतन हो जाता है। और भगवान जब असुरों का वध करते हैं, वे भी मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं, किंतु फिर भी वहाँ उस स्थिति में वो रह नहीं सकते, फिर उनका पतन होता है। किंतु भगवान कृष्ण जब वध करते हैं किसका, तो वो जीव वो भगवान का, भगवान को प्राप्त करता है, कृष्ण को प्राप्त करता है, उनके धाम को प्राप्त करता है, उनके प्रेम को प्राप्त करता है। जैसे भगवान ने पुतना का वध किया, उसको मातृगति प्रदान कर दी, तो इसलिए
भगवान के जितने अवतार हैं ये सब कृष्ण के ही अंश हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान स्वयं भी कहते हैं कि नामनं मुख्यतमं नामं श्रीकृष्णाख्य परंतप। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जितने नाम हैं इन सारे नामों में से कृष्ण नाम मुख्य है। भगवान स्वयं कहते हैं, और ये भी बताया गया है शास्त्र में, पद्म पुराण में शायद, कि 1000 भगवान विष्णु का नाम एक राम नाम के समान है, 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के समान है, ये भी बताया गया। तो ये कहने का अर्थ है कि कृष्ण नाम ये प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। केवल नाम ग्रहण मात्र से, भगवान के दूसरे नाम ग्रहण करने से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, किंतु कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के लिए कृष्ण नाम जो है ये बहुत प्रभावशाली है। इसलिए मायादेवी भी आकर कृष्ण नाम ग्रहण कर रही है, क्योंकि सभी कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण सर्व आकर्षक है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी आकर्षित होते हैं कृष्ण के प्रति, दूसरों की बात क्या कहा जाएगा। तो महाविष्णु ने चुराया था ना द्वारका के ब्राह्मण के पुत्रों को, इसलिए चुराया था कि वो कृष्ण का दर्शन करेंगे। तो भगवान के दूसरे अवतार भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट है, और दूसरों की बात छोड़िए कृष्ण स्वयं अपने रूप के प्रति आकृष्ट। क्या जो हरे कृष्ण महामंत्र में राम नाम है, इसलिए वो राम नाम लेते हैं कि ठीक है, हनुमान जी राम का नाम लेते हैं, राम के भक्त हैं, उनका आराध्य राम है, किंतु जब भगवान कृष्ण ने बुलाया हनुमान जी को तो हनुमान जी ने क्या क्या कहा कि यदि भगवान कृष्ण बुलाएंगे हम जाएंगे क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण भी भगवान है, किंतु वो राम के प्रति आकृष्ट है। उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि हम राम या नारायण भगवान के दूसरे रूप को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। तो हनुमान जी कृष्ण को भी मानते हैं, किंतु उनके आराध्य रामचंद्र हैं, ठीक है, हम हमारा आराध्य कृष्ण है, किंतु इसका अर्थ नहीं कि हम रामचंद्र को नहीं मानते हैं या नारायण को नहीं मानते हैं, विष्णु को नहीं मानते हैं, हम सभी को प्रणाम करते हैं। ये जो नाम जप करता है उसके ऊपर निर्भर करता है वो किस भाव से जप कर रहा है। तो कृष्ण है सर्व आकर्षक, कृष्ण का अर्थ है, राम का अर्थ है सर्व आनंदमय। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण हरे राम कहते हैं तो हे कृष्ण हे सर्व आकर्षक कृष्ण, हरे राम हे सर्व आनंदमय कृष्ण, तो राम का अर्थ वह कृष्ण के लिए भी प्रयुक्त होता है आनंदमय के रूप में,
और कोई यदि भगवान रामचंद्र का स्मरण करेगा कर सकता है, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र में जो कृष्ण और राम शब्द आया है वो कृष्ण के लिए ही प्रयोज है कि हे कृष्ण हे सर्वाकर्षक, हे राम हे सर्व आनंदमय, आनंद प्रदान करते हैं। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई यदि राम को बलराम के रूप में माने कि हम कृष्ण बलराम के भक्त हैं, तो हम हरे कृष्ण तो कृष्ण को मानेंगे, हरे राम अर्थात बलराम को मानेंगे, ठीक है। कोई कहेगा नहीं, हम कृष्ण राम दोनों को मानेंगे, ठीक है, उनके लिए भी ठीक है, हरे कृष्ण बोलो हरे राम बोलो। तो अपने भाव के ऊपर निर्भर करता है, हम क्या चाहते हैं उसके अनुसार हमको फल मिलेगा। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखदेवी की जय। जय श्री श्री गौर निताय की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।